सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये तीन गलतियां जो आप रोज करते हैं जिनके हैं भयंकर परिणाम। हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतों में से कौन सी आदतें आपकी बेकार हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है। इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों और गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें यदि करते हैं तो काफी नुकसान हो सकता है। नाखून चबाना, कई बार देखा जाता है लोग अपने नाखून चबाने लगते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि इससे वो अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नाखून चबाना एक बहुत गंदी आदत है, इससे आपको कई तरह की परेशानियों से गुजारना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप नाखून चबाते हैं तो बैक्टीरिया आपके मुंह में चले जाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस दूर करने के लिए नाखून नहीं बल्कि कुछ खाना या फल खा लीजिए। कान का मैल साफ करना, कई लोग कान का मैल साफ करने के लिए अपने कानों में माचिस की तीली या फिर कुछ नुकीली चीज डालते हैं, जो बहुत ही गलत आदत है और इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब कान में कोई नुकीली चीज डालते हैं तो हो सकता है इससे आपके कान के अंदर का हिस्सा छिल जाए। इसीलिए कान मैल साफ करने के लिए आप विक का ही इस्तेमाल करें या फिर डॉक्टर के पास जाएं। बाथरूम जाने के बाद हाथ नहीं धोना, कई लोग बाथरूम में जाने के बाद अपने हाथ नहीं धोते हैं क्योंकि वो यह सोचते हैं कि उन्होंने किसी चीज को छुआ भी नहीं तो हाथ क्यों धोएं। दोस्तों, यह बहुत बुरी आदत है जिसके कई सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि जब आप बाथरूम जाते हैं तो आपके हाथों में बैक्टीरिया लग जाते हैं, फिर चाहे आपने किसी चीज की छुआ हो या नहीं। इसीलिए बाथरूम जाने के बाद हाथ साफ जरूर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह खबर पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें और इसी तरह की खबरें के लिए सब्सक्राइब करें।